हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। के आज हम लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक है शेयरिंग एंड केयरिंग, यानी प्रोज में। ओके, सबसे पहले हम एंट्री फिल करेंगे। प्रोज में हमने टॉपिक लिया है शेयरिंग एंड केयरिंग। सब्जेक्ट होगा हमारा इंग्लिश, सब सब्जेक्ट होगा प्रोज और टॉपिक होगा शेयरिंग केयरिंग। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं जनरल एम्स। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू लिसन स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली विद अंडरस्टैंडिंग। ये जनरल एम्स हर लेसन प्लान में बनेंगे। ओके, सेम रहेंगे। टू इनरिच एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एम। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज शेयरिंग एंड केयरिंग। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रिहेंड द थॉट ऑफ द पैसेज शेयरिंग एंड केयरिंग। टू इनरिच स्टूडेंट्स वोकैबुलरी बाय एडिंग द फॉलोइंग वर्ड्स रोड टुगेदर डायमंड हेल्प एक्सेट्रा। ये वर्ड्स चैप्टर से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड ऑल द फोर फोल्ड स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में जो आप क्लास में टीचिंग करते समय जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके बारे में आप मेंशन करेंगे, चाहे आप चार्ट यूज कर रहे हैं, चॉक डस्टर ब्लैक बोर्ड मॉडल आदि। ओके, यानी ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट चॉक डस्टर चार्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इस तरीके से एंट्री फिल करेंगे। कंटेंट आइटम टू बी डॉट ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म और टीचर्स एक्टिविटीज। ओके, इस वाले पेज पर ये वाली एंट्री फिल होंगी और नेक्स्ट पेज पर ये होंगी। प्रोसेस आउटपुट यानी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। लर्निंग एक्सपीरियंस में पॉपुलर एक्टिविटीज और टेक्निक एंड एड्स। आपके इसमें रियल लर्निंग आउटकम्स में ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन, इस तरीके से एंट्री फिल करेंगे। ओके, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन स्किल पर। ये हमारा इंट्रोडक्शन स्किल है। इसमें होगा नॉलेज रिकॉल रिकॉग्निशन। द पॉपुलर टीचर आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स शोइंग द चार्ट। जो पॉपुलर टीचर है वो क्लास में बच्चों को चार्ट दिखाकर कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। ओके, फर्स्ट पूछेंगे व्हाट आर यू सीइंग इन दिस चार्ट, यानी आप इस चार्ट में क्या देख रहे हैं। ओके, इस तरीके से ये चार्ट है पूरा। इस चार्ट को वहाँ पर क्लासरूम में दिखाकर बच्चों से पूछा जाएगा व्हाट आर यू सीइंग इन दिस चार्ट। तो बच्चे जवाब देंगे आई एम सीइंग ट्री टाइगर लायंस इन दिस चार्ट। जो भी कुछ दिख रहा है बच्चे उस चीज़ का जवाब देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी ट्रीज आर यू सीइंग इन दिस चार्ट। आप इस चार्ट में कितने प्रकार के ट्रीज देख रहे हैं। तो इस चार्ट में देख के बच्चे बता देंगे कि टू टाइप्स के ट्रीज हैं, क्विक वैनन ट्री और मैंगो ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर दीज, किस टाइप के ट्रीज हैं। तो बच्चे इनके नेम बताएंगे। ओके, कौन कौन सी ट्री हैं ये। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, यानी जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा। व्हाट आर दीज ट्रीज डूइंग, ट्रीज क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, यानी इंट्रोडक्शन स्किल में चार क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। चार पहले और दूसरे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड होंगे और जो फोर्थ क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा, समस्यात्मक होगा, जिसका बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो उसका जवाब पपिल टीचर देंगे। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एम लिसनिंग स्किल। यहाँ पर देखिए उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिया है। दीज ट्रीज आर शेयरिंग देयर व्यूज टू ईच अदर सो वेल स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी द लेसन शेयरिंग एंड केयरिंग। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे एंड फॉलो करेंगे इन देयर बुक। बुक को खुल के बैठेंगे चैप्टर।
व्हेन देयर टीचर आस्क, यहाँ पर यह हमारा स्टेटमेंट मेथड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम दूसरा चार्ट भी बच्चों को दिखा सकते हैं कि शेयरिंग केयरिंग क्या होता है। नेक्स्ट मॉडल रीडिंग, रीडिंग लिसनिंग। द पपिल टीचर डज मॉडल रीडिंग विद करेक्ट प्रोनंसिएशन, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। स्टूडेंट्स इसको केयरफुली सुनेंगे, यहाँ पर रीडिंग टेक्स्ट बुक हो जाएगा, यानी टीचर एक्सप्लेन करेंगे उसको वो टेक्स्ट बुक से और बच्चे उसको सुनेंगे, तो यहाँ पर रीडिंग टेक्स्ट बुक मेथड। नेक्स्ट है प्रोनंसिएशन ड्रिल। स्किल इन प्रोनंसिएशन एप्लीकेशन, द पपिल टीचर राइट्स सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस आफ्टर हिम हर। पपिल टीचर है वो डिफ़िकल्ट बच्चों से, उनको बच्चों को बताएंगे डिफ़िकल्ट वर्ड, फिर बच्चों से सुनेंगे और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट प्रोनाउंस द डिफ़िकल्ट वर्ड आफ्टर द टीचर, यानी टीचर के पढ़ने के बाद बच्चे भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे और उसको टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। यहाँ पर हो गया प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंस द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, और वो क्या है ब्लैक बोर्ड पर प्रोनाउंस वर्ड जो हैं वो लिख के जाएंगे। जैसे ये हैं उसी चैप्टर में से ले लेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लैब टुगेदर शोक डायमंड कटर्स यूनाइटेड। इमिटेशन रीडिंग, रीडिंग स्किल में द पपिल टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज वन बाय वन विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड प्रोनंसिएशन। अब क्या होगा, डिफ़िकल्ट वर्ड पूछने के बाद जो टीचर पपिल टीचर है वो बच्चों को यानी स्टूडेंट्स से पैसेज को वन बाय वन रीड कराएंगे प्रॉपर स्ट्रेस और प्रोनंसिएशन के साथ। स्टूडेंट रीड द पैसेज अलाउड वन बाय वन और स्टूडेंट्स पैसेज को रीड करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर लिसनिंग रीडिंग टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, प्रोनंसिएशन की जो है मिस्टेक जो भी होगी उसका करेक्शन किया जाएगा। द पपिल टीचर करेक्ट द मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड रोट देम ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, जो मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स हैं उनको करेक्ट करेंगे और उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। स्टूडेंट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली आफ्टर द टीचर, यहाँ पर क्या है प्रोनंसिएशन ड्रिल। नेक्स्ट एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल इन वोकैबुलरी डेवलपमेंट। द पपिल टीचर विल एक्सपोज सम न्यू वर्ड्स। अब क्या है चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों से वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे। जैसे एक वर्ड मीनिंग लिख दिया रोड ब्लैक बोर्ड पर, तो बच्चों से पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड। ओके, बच्चे इसका मीनिंग बताएंगे, क्राइंग टुगेदर का कंपनी, डैम का डेविल, हेल्प का सपोर्ट, वाइल्ड एनिमल्स का एनिमल्स, हु लिव इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। द स्टूडेंट शैल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड एक्सपोज बाय द टीचर, यहाँ पर क्या है ट्रांसलेशन मेथड है। आफ्टर रविंग द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड टुगेदर हेल्प वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट साइलेंट रीडिंग, इसके लिए इंटेंसिव रीडिंग है का इसके लिए ये। द पपिल टीचर आस्क स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली व्हाइल ही शी टेक्स डाउन द सुपरवाइज द क्लास। क्या है बच्चों से स्टूडेंट से वो पैसेज को साइलेंटली पढ़ने के लिए कहेंगे और वो क्लास का सुपरविजन करेंगे। स्टूडेंट रीड द पैसेज साइलेंटली, स्टूडेंट जो है पैसेज को साइलेंटली पढ़ेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपरविजन हो गया। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। द पपिल टीचर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब क्या है पपिल टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर पुटअप करेंगे और बच्चे उसका जवाब देंगे और वो जवाब को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन आस्क बाय द टीचर, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद अब बच्चों के इवोल्यूशन के तौर पर कुछ क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाएंगे, बच्चे ने पार्ट को कितना समझा है कितना नहीं समझा है वो सब इवोल्यूशन क्वेश्चन के बाद पता लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से 5-6 क्वेश्चंस चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछ लिए जाएंगे। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बनियन ट्री डू ऑल डे लॉन्ग,
तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे द मैंगो ट्री एंड द बनियन ट्री टॉक्ड ऑल डे लॉन्ग. नेक्स्ट व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव अवे द एनिमल्स. नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है द मैंगो ट्री वांट्स टू ड्राइव अवे द एनिमल्स बिकॉज ही डज लाइक द रोरिंग ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड द बनियन ट्री से. बनियन ट्री बरगद का पेड़ क्या कहता है. द बनियन ट्री सेड द मैंगो ट्री डोंट नॉट टू ड्राइव अवे देन बिकॉज वी नीड ईच अदर. यानी इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन हु केम देयर नेक्स्ट डे. अगले दिन कौन आया. तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे द टू वुड कटर कम्स देयर दैट नेक्स्ट डे. यानी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ये पुटअप किए जा रहे हैं यहाँ पर वही बच्चों से पूछे जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड द वुड कटर चूज टू कट द मैंगो ट्री. उस वुड कटर ने मैंगो ट्री काटने का निर्णय क्यों लिया. द वुड कटर चूज टू कट द मैंगो ट्री बिकॉज देयर वाज नो वाइल्ड एनिमल. क्योंकि वहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं था. ब्लैक बोर्ड समरी कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज द एक्सपोजिशन वर्क एंड आंसर टू द कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट कंप्रोमाइज द ब्लैक बोर्ड. स्टूडेंट नोट डाउन करेंगे जो ब्लैक बोर्ड पर वर्क है उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. ओके नेक्स्ट है होमवर्क. उनको होमवर्क दिया जाएगा. पपिल टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर एट होम. स्टूडेंट डू एज डायरेक्टेड. देखिए इस तरीके से ब्लैक बोर्ड एंट्री की जाएगी. ऐसे ही लेसन प्लान बनाते समय एंट्री की जाएगी या तो ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर एंट्री की जाएगी. लेफ्ट साइड में डेट सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट. डेट जिस दिन आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो डेट मेंशन करेंगे. सब्जेक्ट में इंग्लिश और सब सब्जेक्ट आप अप्रोच पोइट्री ग्रामर कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है. टॉपिक इधर लिखेंगे. इधर राइट साइड में क्लास सब्जेक्ट पीरियड और ड्यूरेशन लिखेंगे. ओके बच्चों से जो वर्ड मीनिंग पुटअप किए गए थे वो ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिए गए हैं और जो क्वेश्चन आंसर पुटअप किए गए थे वो भी बच्चों ने जो आंसर दिए वो सही करके ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं. बाद में बच्चों को यही वर्क नोट डाउन करने के लिए कहा जाएगा. ओके दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.